सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल ये है कि किसी साहब ने पूछा है, हुजूर के वालिदैन के मुतल्लिक बहैसियत मुसलमान हमें कैसा ईमान और अकीदा रखना चाहिए, चूँकि उनके बारे में अलग अलग रवायत मौजूद हैं, तो बहैसियत मोमिन हमें उनके मुतल्लिक कैसा अकीदा रखना चाहिए। बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो आप उनको गाली देंगे या उनकी तारीफ करेंगे। मैं आपसे पूछूं अगर कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो शराबी भी होगा तो भी आप तारीफ करेंगे, जुआरी भी होगा तो भी आप तारीफ करेंगे, है ना। तो जब आप अपने माँ बाप से मुतालिक ख्याल रखते हैं, तो जिनकी जिनके शिकम में अल्लाह का हबीब आया और जिसकी पुष्ट से अल्लाह का महबूब जलवगर हुआ, वो माँ बाप कितने अजीम होंगे, वो माँ बाप कितने शान वाले होंगे। अल्लाह ने कुरान में उनकी कसम याद की है, वालिदिम वमा वलद, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, बाप की कसम और बेटे की कसम। तो यहाँ मुफस्सरीन फरमाते हैं बाप से मुराद हजरत अब्दुल्ला हैं, बाद हजरत इब्राहिम का जिक्र भी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग हजरत अब्दुल्ला का तस्किरा भी करते हैं। आप बताएं कि जिस बाप की कसम कुरान में अल्लाह याद करे, क्या वो बाप मोमिन नहीं होगा जिसकी कसमें खुदा याद फरमा रहा है। तो हुजूर के वालदैन करीमैन के मुतालिक हमें यही अकीदा रखना चाहिए कि हुजूर के वालदैन करीमैन मोमिन थे, उन्होंने कभी जो है वो शिर्क नहीं किया और वो ईमान पर दुनिया से गए, मिल्लत इब्राहिमी पर दुनिया से गए। अलबत्ता जब हज्जतुल वदा के मौके पर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अम्मी की कब्र के करीब से गुजरे, तो उस वक्त आकाए करीम ने अर्ज की वालिदैन की ज़ियारत के लिए, तो अल्लाह ने उनकी वालिदा की कब्र अनवर से उनकी अम्मी को भी जाहिर किया, उनके अब्बा को भी जाहिर किया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में दाखिल फरमाया। लोग कहते हैं कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, मुसलमान नहीं किया, वो मुसलमान ही दुनिया से गए थे लेकिन मिल्लत इब्राहिमी पर गए थे, और इब्राहिम की उम्मत से उम्मत मोहम्मदिया अफजल है। तो ये अफजलियत की फजीलत उम्मत मोहम्मदिया की उनको अता करने के लिए हुजूर ने उनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल फरमाया, वरना वो ईमान पर ही दुनिया से गए थे। इसका ख्याल किया जाना चाहिए। हो गया टाइम, कमेंट शेयर जरूर करिए।